स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। जिला पंचायत चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कल राजगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के नव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों की बैठक ली और किस तरह से राजगढ़ जिला पंचायत सीट पर कांग्रेस अपना परचम फहराएगी, इन सब बातों की समीक्षा भी की। राजगढ़ जिला पंचायत सीट पर कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि पहले से भी राजगढ़ जिला पंचायत सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा था, लेकिन कुछ टूट फूट हो गई थी तो इस जिला पंचायत सीट पर कांग्रेस अपना कब्जा काबिज नहीं कर पाई, लेकिन इस बार कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और जीत होगी। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश में गायों की दुर्दशा पर शिवराज सरकार पर आरोप लगाता हुए कहा कि इनके पास में विधायकों को खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन गौ माता पर खर्च करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है और ये केवल वोट के लिए गौ सेवा की बात करते हैं। गौशाला इसलिए खाली पड़ी हैं क्योंकि सरकार चारा नहीं दे रही है, चारे के लिए पैसा नहीं दे रही है। इनके पास विधायक खरीदने के लिए पैसा है, बड़े बड़े सम्मेलन करने के लिए पैसा है, बड़ी बड़ी घोषणाओं के लिए ये वादे करते हैं, लेकिन गौ माता के लिए इनके पास पैसा नहीं है।